नमस्कार, आजाद सिपाही के लोकसभा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के 11 बजे के रुझान के आंकड़े पर। रांची से बीजेपी के संजय सेठ 66,000 वोट से आगे, खूंटी से बीजेपी के अर्जुन मुंडा 1,631 वोट से आगे, सिंहभूम से गीता कोड़ा 36,000 वोट से आगे चल रही हैं, हजारीबाग से बीजेपी के जयंत सिन्हा 46,000 वोट से आगे हैं, गिरिडीह से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी 26,000 वोट से आगे हैं, कोडरमा से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी 20,531 वोट से आगे हैं, पलामू से बीजेपी के बीडी राम आगे हैं, राजमहल से भाजपा के हेमलाल मुर्मू आगे हैं, लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत 428 वोट से पीछे हैं, धनबाद से बीजेपी के पीएन सिंह 15,578 वोट से आगे, चतरा से बीजेपी के सुनील सिंह 31,292 वोट से आगे हैं, जमशेदपुर के भाजपा प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो 101,222 मतों से आगे हैं, दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन 16,000 वोट से आगे, गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे 7,118 वोट से आगे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए आगे है और 2 सीटों पर यूपीए आगे है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में पल पल बदलाव हो रहा है। अभी अभी ताजा रुझानों के मुताबिक पलामू में वीडी राम ने 65,500 वोटों की बढ़त बनाई है। राजमहल में भाजपा के हेमलाल मुर्मू 1,770 वोट से पीछे हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो 1,21,299 वोट से आगे हैं। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी 96,323 मतों से आगे हैं। लोहरदगा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 11वें राउंड में सुखदेव भगत 662 वोट से आगे हैं। खूंटी में भी अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा में दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। अभी ताजा रुझानों के मुताबिक अर्जुन मुंडा 212 वोट से पीछे हैं। चतरा में बीजेपी के सुनील सिंह, राजद के सुभाष यादव और कांग्रेस के मनोज यादव पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी के सुनील सिंह 52,153 वोट से आगे हैं। धनबाद में पशुपतिनाथ सिंह 41,227 वोट से कीर्ति आजाद से आगे हैं। हजारीबाग में बीजेपी के जयंत सिन्हा 67,062 वोटों से आगे हैं।